असली सवाल तो अब सामने आया है कि मुझे दूसरों की मान्यता क्यों चाहिए, दूसरों का अनुमोदन स्वीकृति चाहिए ही क्यों कि जब तक 5,000 लोगों की भीड़ ना हो तब तक। आज तुमको पता चल जाएगी मैं तुमसे जो कह रहा हूँ 10,00,000 लोग यही बात कह रहे हैं तो तुम्हें कोई उलझन नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना? तुम तुरंत खड़े हो गए, हाँ हाँ मैं तो अच्छे से जानता हूँ, मैंने 5 संवादों में यही बात सुनी है और मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि यही सच है। बस ये चाहिए तुम्हें कि 10,00,000 लोग यही कहने लग जाए। ये तो काम भेड़े करते हैं, इंसान नहीं ना। ये काम बहादुरों के तो नहीं है, ये सूरमाओं के तो नहीं है, ये तो बड़े घुटते हुए मन का लक्षण है कि जिधर को धार जा रही है उधर कोई बह लिए। अपनी मर्जी से कहां किधर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। जैसे झड़ा हुआ पत्ता, जिधर को हवा चली उधर को चल दिया। कभी देखना बहुत सारे झड़े हुए पत्ते एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हवा उधर को ही चल रही हो तो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो एक जगह इकट्ठे हो बहुत सारे उनको समझ लेना है झड़े हुए पत्ते ही है। झड़ा हुआ पत्ता होना चाहते हो या खिलता हुआ फूल? दम क्यों नहीं है? सत्य कोई जनतंत्र थोड़ी है कि 10,000 लोग बोलेंगे अगर तो सत्य का प्रस्ताव पास होगा। अरे कोई ना माने तो भी सत्य सत्य है, वहां सर थोड़ी गिने जाते हैं कि कितने लोग मान रहे हैं। सत्य मत मानो, कोई मत मानो, तुम्हारी बला से मत मानो। जो नहीं मानेगा वो खुद दुख भोगेगा। सत्य को क्या अंतर पड़ता है? भीड़ की तरफ ही देखते रहोगे, तुमसे नहीं है, सबसे कह रहा हूं, तुम्हें से जो भी कोई झुंड में काम करता है जी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम झुंड में नहीं पैदा हुए थे, अकेले आए हो, अकेले जाना है और बीच में भी सब कुछ अपना ही है और अपने इस अपनेपन को नहीं पाया तो तुम जिए ही नहीं।